आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, कैबिनेट ने नेशनल स्पेस पॉलिसी 2023 और गैस की कीमत तय करने के फार्मूले को दी मंजूरी। महबूबा मुफ्ती की बेटी के लिए जारी हुआ समिति अवधि का पासपोर्ट इल्तिजा, बोली वैलिडिटी केवल 2 साल के लिए ही क्यों। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर केंद्र अलर्ट, मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ किया बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभासति को पत्र लिखकर जताया विरोध, कहा कांग्रेस सांसद का निलंबन अपमान आपने नजरअंदाज किया है। बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा का दावा, हनुमान जन्मोत्सव रैली में जाने से पहले पुलिस ने किया गिरफ्तार। एंटनी के बेटे भाजपा में शामिल, डॉक्यूमेंट्री विवाद में मोदी का समर्थन किया, ट्वीट डिलीट के दबाव में छोड़ी कांग्रेस, पिता बोले उसने हट किया। आरएसएस समर्थित संगठनों ने हिंसा भड़काने के लिए रामनवमी जुलूसों का इस्तेमाल किया, सीपीआईएम ने लगाया आरोप। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले संघ का बड़ा जमावड़ा, आरएसएस प्रमुख समेत जुटेंगे 3000 प्रतिनिधि। ओएसी ने एंटनी पर कसा तंज, बोले पिता एंटनी एटीएम, बेटा एंटनी बीटीएम, ये सेक्युलरिज्म के ठेकेदार औरों को प्रमाण पत्र दे रहे हैं। एल्गार परिषद मामले में नवलखा को राहत नहीं, विधायक महेश लंगड़े को मिली जान से मारने की धमकी। संजय राउत का बड़ा दावा, बोले राज्य को अंडरवर्ल्ड की तरह चलाया जा रहा, शिंदे फड़वड़ीस गिरोह का काम कर रहे नेतृत्व। सट्टेबाजी और दाम लगाने वाले ऑनलाइन गेम बैन होंगे, सरकार ने जारी की नई एडवाइजरी, का ऐसे विज्ञापन न दिखाए मीडिया। शराब नीति केस में ईडी ने दूसरी चार्जशीट दाखिल की, श्रोमणि अकाली दल, वाईएसआर कांग्रेस नेताओं के बेटे और 5 फर्मों के नाम शामिल। अंडमान की जमीन पर शत्रुजीत ब्रिगेड की छलांग, एयरफोर्स और नेवी के साथ मेजर मल्टी डोमेन एक्सरसाइज। विदेश मंत्रालय ने की कनाडा में मंदिर पर हमले की निंदा, भारतीय पत्रकारों के लिए वीजा सुविधा जारी रखी चीन। फरियादियों के न सुनने वाले अफसरों की अब छीनेगी कुर्सी, खराब प्रदर्शन वालों पर सीएम योगी की तिरछी नजर। नई नीति को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, बोले बुनकरों के छोटे उद्योग समाप्त करना चाहती है भाजपा। किशोर की संदिग्ध हालात में मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, शव 5 दिन बाद कब्र से निकाला गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच का बड़ा आदेश, वेबसाइट पर अपलोड करें ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, सरकार को 4 दिन का दिया समय।
गाजियाबाद में प्रेमिका के मर्डर के बाद का वीडियो वायरल। लड़की की लाश के पास बेसुध पड़ा मिला था। प्रेमी घरवाले बोले पुलिस एक्शन लेती तो बेटी जिंदा होती। छेड़छाड़ से परेशान लड़की ने लगाई फांसी। आरोपी शमशाद ने कहा था शादी हुई तो घर से उठा ले जाऊंगा। 28 जून को आनी थी बारात। समर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। आकांक्षा सुसाइड केस में हाईकोर्ट पहुंचा सिंगर, बोला गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। बिजनौर में व्यापारी की हत्या कर शव जलाए। पत्नी बोली गांव के एक युवक को महिला के साथ देख लिया था इसलिए हुई ये हत्या। संभल में खून से लथपथ मिले प्रेमी प्रेमिका। युवती की लाश पड़ी थी, उस पर सिर रखकर तड़प रहा था युवक। आगामी 30 सालों के लिए की जाएगी ट्रैफिक स्टडी। दो कंपनियों ने प्राधिकरण को भेजा अपना प्रस्ताव। जाम मुक्त बनेगा नोएडा। एसआरएन हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर और तीमारदारों में मारपीट। प्रयागराज में इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप, पुलिस तैनात। लखनऊ में कोरोना से महिला की मौत। सांस लेने में हुई दिक्कत, फिर ऑर्गन फेल हो गए। 7 महीने पहले हुई थी दो मौत। गैंगस्टर एक्ट में दोषियों को 3 साल की कैद। उन्नाव में 13 साल बाद आए कोर्ट का फैसला। 5,000 का जुर्माना भी लगाया। हरदोई में 4 घरों में लगी आग। एक महिला झुलसी। फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए जारी हुआ अलर्ट। भीड़भाड़ में जाने से बचें और मास्क पहनने की सलाह दी गई है। रामलीला के मंच पर बार बालाओं का डांस। जालौन में पुलिसकर्मी भी देखने पहुंचे नाच। 29 कुंडीय महायज्ञ में हो रहा है ये आयोजन। सुल्तानपुर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। लखनऊ बलिया मार्ग पर वाहन ने 3 को रौंदा, 1 को लखनऊ रेफर किया गया। जानलेवा हमले के आरोपी को 10 साल की सजा। मैनपुरी कोर्ट ने लगाया 25,000 का जुर्माना। युवक को मारी थी गोली। मुजफ्फरनगर के पशु मेले का आकर्षण का बना बादल। बुल 65 लीटर दूध देने वाली उछली गाय को निहार रहे हैं लोग। फिर बंद हो गया एक्सरे कक्ष में ताला। डिप्टी सीएम के निरीक्षण में बेली अस्पताल के एक्सरे कक्ष में बंद था ताला, लगाई थी फटकार। तीन शातिर वाहन चोरों पर गैंगस्टर लगा पलक झपकते ही बाइक और कार चोरी कर लेते हैं शातिर। 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं दर्ज। अमरोहा में 40 दिन से धरने पर बैठे किसानों से मिले डीएम एसपी। धरना समाप्त करने से पहले 4 गुना मांग मुआवजा। बांदा में एसबीआई गार्ड की बंदूक से चली गोली। एटीएम में कैश निकाल रहे उपभोक्ता बादल बचे। बैंक मैनेजर ने गार्ड को टर्मिनेट किया। आग लगने से 3 साल की बच्ची की जलकर मौत। गोंडा में चूल्हे पर मां खाना बना रही थी, चिंगारी से छप्पर में लगी आग। शाहजहांपुर में छात्र की नदी में डूबकर मौत। हरमत धाम पर दर्शन करने आया था, चप्पल निकालते समय नदी में गिरा।
शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजने में पुलिस की लापरवाही, परिजनों से ऑटो बुक कराकर भेजा शव, युवक बोला चालक ने 5000 रुपए लिए। आगरा में गोकशी के षड्यंत्र में हिंदूवादी नेताओं का हाथ, अरेस्ट किए गए गोकशों ने खोला राज, आंदोलन करने वाले कई हिंदूवादी नेता फंसे। भदोही में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत, नाराज ग्रामीणों ने लगाया जामा, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मुजफ्फरनगर में 6 अभियुक्त गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार, कोर्ट ने 5-5 साल की कैद की सजा सुनाई, हत्या के मामले में हो चुके थे बरी। सोनभद्र में पत्नी की हत्या में पति दोषी करार, कोर्ट ने 10 साल की कैद और 10,000 जुर्माने की सुनाई सजा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय व विधानसभा परिसर में स्थापित किया हेल्थ एटीएम, निःशुल्क होंगी 72 तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। मुख्यमंत्री धामी ने की प्रधानमंत्री की तारीफ, कहा संपूर्ण विश्व में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर, दिल्ली पहुंचे प्रीतम सिंह, बड़े नेताओं से मिलेंगे। एमसी से डिस्चार्ज होते ही आरोपी कोच गिरफ्तार, प्रशिक्षु खिलाड़ियों से अश्लील हरकतें करने का लगा आरोप। यूपी और उत्तराखंड के बीच दर्राडीट बॉर्डर बंद, अब 45 किलोमीटर घूमकर आना पड़ेगा विकासनगर। जोशीमठ पर चल रहे वैज्ञानिक अध्ययनों के बीच आईआरएस का दावा, पानी बिजली परियोजनाएं भूस्खलन का कारण नहीं। त्योनी में 4 मंजिला घर में आग लगने से जिंदा जल गए 4 मासूम, मौके पर पहुंची डीएम सहित अधिकारियों की टीम। उत्तराखंड 6 माह में पुरानी इमारतों में बनाने होंगे ई चार्जिंग स्टेशन, कैबिनेट निर्णय का शासन आदेश जारी हुआ है। यूके पीएससी में पटवारी लेखपाल भर्ती का रिजल्ट जारी, 44 अभ्यर्थियों पर लगाया प्रतिबंध, सहायक लेखाकार परीक्षा टली। आठ बिंदुओं के आरोप पत्र के मामले में राजीव भर्तरी को सरकार ने दिया झटका, अधिकार सीज, तबादले निरस्त। उत्तराखंड कुटकावाला से स्मैक के साथ दंपत्ति गिरफ्तार, ग्राहकों की पहचान के लिए घर में लगवा रहा था सीसीटीवी। उत्तराखंड में अवैध खनन पर अंकुश के लिए हाईकोर्ट का निर्देश, 24 घंटे तैनात रहे पुलिस। उत्तराखंड में डेंजर जोन में नैनीताल के 27,000 लोग, केदारनाथ में तीर्थयात्रियों पर डिजिटल सिस्टम लागू। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 51 नए मामले मिले हैं। देहरादून में भूकंपीय फाल्ट के 50 मीटर के दायरे में निर्माण पर लगेगी रोक, छोटे बड़े 29 फ्लैट ट्रस्ट भी होंगे सक्रिय। ईरान पर हमले की तैयारी, इजराइल ने कहा अमेरिका ने साथ नहीं दिया तो अकेले हमला करेंगे, नतीजे की परवाह नहीं।
जापान का मिलिट्री हेलीकॉप्टर लापता ब्लैक हॉक चॉपर पर 10 लोग सवार थे, सर्च ऑपरेशन जारी, चीन और नॉर्थ कोरिया पर शक। जिनपिंग से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, बोले जंग खत्म कराने के लिए पुतिन को समझाएं, चीन ने कहा कोशिश जारी है। अमेरिकी कैथोलिक चर्च में 600 बच्चों का यौन शोषण, 80 साल तक करतूते छिपाते रहे मैरीलैंड के चर्च, इसमें 156 पादरी भी शामिल हैं। कनाडा में फिर हिंदू मंदिर में तोड़फोड़, आरोपियों ने दीवार पर भारत विरोधी नारे लिखे, 9 महीने में ये ऐसी पांचवी घटना है। इजराइल के पास एटमी हथियार, पूर्व पीएम एहूद बराक का सोशल मीडिया पर खुलासा। उत्तर कोरिया का बड़ा बयान, कहा परमाणु युद्ध की कगार पर देश, बढ़ते तनाव के लिए अमेरिका और साउथ कोरिया जिम्मेदार। पाकिस्तानी संसद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किया खारिज, पीएम शरीफ ने कहा आदेश कानून का मजाक। पाकिस्तान में हाईकोर्ट की शहबाज सरकार को दो टूक, कहा इमरान को पूर्व पीएम की हैसियत से मुहैया कराई जाए सुरक्षा। वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस का बड़ा बयान, पोप फ्रांसिस ने डॉक्यूमेंट्री में कहा संभोग एक खूबसूरत चीज है। पापा जॉन्स की जल्द होगी भारत में वापसी, पिज्जा चेन 2024 में पहला आउटलेट खेलेगी, 2033 तक 650 रेस्टोरेंट ओपन करने का प्लान। क्रेडिट कार्ड की जगह बैंक जारी कर सेकेंड क्रेडिट लाइन की तरह डिजिटल क्रेडिट कार्ड होगा, इसका इस्तेमाल यूपीआई के जरिए होगा। एप्पल का पहला स्टोर लॉन्च करने भारत आएंगे टिम कुक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी कर सकते हैं एप्पल के सीईओ। भारत में 12 अप्रैल को लॉन्च होगा रियलमी नार्जो N55, कंपनी ने ई कॉमर्स वेबसाइट स्मार्टफोन का प्रोडक्ट पेज लाइव किया। ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश, इनकम टैक्स के सर्वे में मिले थे एफसीआर कानून तोड़कर विदेशों से चंदा लेने के सबूत। अडानी केस पर सीतारमण का हमला, बोली झूठे आरोप लगाकर बार बार गलती कर रहे हैं राहुल, कहा गड़बड़ी कांग्रेस राज्यों वाली सरकार में हो रही है। आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टालिना जियोर्जेवा ने दी चेतावनी, कहा वैश्विक आर्थिक ग्रोथ रेट से सुस्त पड़ने से बढ़ सकती है दुनिया में गरीबी और भूखमरी। खराब मौसम के कारण नुकसान मामूली, सरकार का अनुमान गेहूं का रिकॉर्ड 112 करोड़ टन का होगा उत्पादन। अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर, केवल अमेरिका और चीन है आगे। वैश्विक आर्थिक संकट के चलते 2023 में धीमी रह सकती है ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ की रफ्तार, 1.7% रहेगी ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ। कोलकाता ने बेंगलुरु को 81 रन से हराया, शार्दुल ठाकुर की 50 ने पलटा गेम, वरुण को 4, सुयश को 3 विकेट। फीफा रैंकिंग में भारत को फायदा, 5 स्थान चढ़कर पहुंचा 101 पर, वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना 6 साल के बाद टॉप पर।
आईपीएल के बीच कोरोना ने दी एक बार फिर से दस्तक। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के लिए जारी किए एडवाइजरी। आईपीएल में शार्दुल का बल्ले से धमाल और फिर स्पिनर्स का कहर केकेआर के सामने बेबस नजर आई आरसीबी। केकेआर की जीत के बाद मैदान पर जमकर नाचे शाहरुख खान, विराट के साथ झूमे जो पठान सॉन्ग पर किया डांस। आरसीबी के खिलाफ केकेआर की जीत के बाद शाहरुख खान ने विराट कोहली को गले लगाया और खींचे गाल, खूब वायरल हो रहा है ये वीडियो। पंजाब के जश्न में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी नेथन एलिस ने जमकर किया भांगड़ा, वीडियो हुआ वायरल। आरसीबी को लगा बड़ा झटका, सिर्फ एक मैच खेलकर पूरे आईपीएल सीजन से बाहर हुआ इंग्लैंड का घातक गेंदबाज रिस टॉपले। चेतेश्वर पुजारा करेंगे सचिन की कप्तानी, बीते साल सबसे ज्यादा रन बनाने का मिला इनाम। आरसीबी की जगह केकेआर का समर्थन करें डेनियल, कहा शाहरुख खान मेरे प्यार है पति एबी डिविलियर्स चौके। आईपीएल मैच के दौरान फैन ने उर्वशी को ट्रोल किया, ऋषभ पंत की मौजूदगी में फैन ने लिखा थैंक गॉड उर्वशी यहां नहीं है। दीपिका चिखलिया ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जयंती पर बधाई दी, यूजर्स बोले मां सीता के मुंह से ये सुनकर अच्छा लगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर सलमान खान का बड़ा बयान, बोले ओटीटी प्लेटफॉर्म से वेलिगेरिटी खत्म हो। सलमान शाहरुख के साथ सबसे बड़ी फिल्म बनाने की तैयारी, सिद्धार्थ आनंद करेंगे फिल्म का डायरेक्शन। हनुमान जयंती पर रिलीज हुआ आदि पुरुष का नया पोस्टर, बजरंग बली के गेटअप में दिखे देवदत्त नागे। एयरपोर्ट पर ब्लश करती नजर आई परिणीति चोपड़ा, राघव चड्ढा इस हफ्ते सगाई की खबरों के बीच लंदन के लिए हुई रवाना। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों पर सलमान ने तोड़ी चुप्पी, बोले पूरे देश का भाई नहीं हूं, किसी लोगों का जान भी हूं। प्रियंका ने किए सिद्धिविनायक के दर्शन, बेटी मालती के साथ मंदिर पहुंची, मुंबई में सिडाटेल का प्रमोशन करी प्रियंका। सलमान खान ने राघव जुआल को सिखाया लुंगी बांधना, किसी का भाई किसी का जान का मजेदार बीटीएस वीडियो सामने आया। रेसलर जॉन सीना के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस करेंगी प्रियंका चोपड़ा, WWE सुपरस्टार के साथ हॉलीवुड फिल्म में देसी गर्ल की हुई एंट्री। आज के इस शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।